प्राइस किस तरह मूव करता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि बैंक निफ्टी को ये एक NSE की साइट पे आप इंडेक्सोग्राम है जो NSE की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं एक PDF फॉर्म में। इसमें हमें बताता है कि बैंक निफ्टी में कितना वेटेज है। यहाँ से हम वेटेज पता कर सकते हैं HDFC बैंक के शेयर का वेटेज कितना है और हमारे ICICI और कोटक बैंक के बारे में इसमें कितना कितना वेटेज। सबसे ज़्यादा हमारा HDFC बैंक का होता है वेटेज, उसके बाद होता है ICICI बैंक, फिर आता है कोटक महिंद्रा बैंक का और फिर एक्सिस बैंक एंड SBI बैंक। तो ये चार बैंक हैं। अगर आप रुको, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक और SBI बैंक, तो हमारे पास ये जो पांच बैंक हैं, टोटल फाइव बैंक हैं जिनकी वेटेज हमारी सबसे ज़्यादा मायने रखती है बैंक निफ्टी की मूवमेंट के लिए। जो भी बैंक निफ्टी में मोमेंटम अप साइड डाउन साइड होता है उस साइड की मोमेंटम के लिए इन सब की वेटेज मायने रखती है ज़्यादा। अगर HDFC बैंक ऊपर जा रहा है, ICICI बैंक भी ऊपर जा रहा है, तो बैंक निफ्टी का मोमेंटम प्रोबेबिलिटी होगी उसकी ज़्यादा अपसाइड मूव के लिए। तो ये चीज़ हमारी यहाँ से पता चल गई कि हमने वेटेज चेक कर लिया कितना है। अब हम क्या करेंगे और इंडेक्स की हम PE और देख लें, PE कितनी होती है हमारे इसमें। ये देखिए यहाँ पे हमें पता चलेगा कि PE, अगर PE हमारी 20 के नीचे होती है तो वो गुड फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के में आ जाती है हमारी, ठीक है, बिलो 20। तो अब इसमें हम चार्ट सेट कर लिए, मैंने ये चार्ट मेरे पहले से लगे हुए हैं, चार चार्ट लगे हुए हैं इसमें, SBI बैंक, HDFC बैंक का, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक का। तो इन चार्ट के ऊपर नज़र डालते हैं कि ये चार्ट किस तरह वर्क कर रहे हैं। अब इसमें आप देखिए SBI से शुरू करते हैं। SBI ने हाल ही फिलहाल में एक ब्रेकआउट दिया था जो 565 के ऊपर था। 565 के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद इसका मोमेंटम हुआ 585 तक, उसके बाद वापस रिटेस्ट हुआ है। अब हमारे क्या है कि इसका जो टॉप हाई था वो हमारा 570 था, 577 इसका टॉप हाई था जो इसने ब्रेक किया, ब्रेक किया पर उसके बाद होल्ड नहीं किया। अगर डे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये होल्ड नहीं किया, उसके बाद नीचे आ गया, ठीक है। तो हम वेट करेंगे इसके ऊपर जब ये डे टाइम फ्रेम में होल्ड करेगा। और सेम पैटर्न अगर हम इसमें देखते हैं HDFC बैंक में, तो HDFC बैंक में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक चैनल बनते हुए क्रिएट हो रहा है, ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो जब ये इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करेगा इस जगह पे, यहाँ कहीं एक ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, उसके बाद इसका मोमेंटम अपसाइड हो जाएगा। और सेम चीज़ यहाँ भी दिख रही है कि हमें यहाँ भी ब्रेकआउट हो रहा है, इसमें भी हमें ब्रेकआउट का वेट हो रहा है। और यहाँ आप देख सकते हो जो कोटक बैंक है अपसाइड मूव होने के बाद डाउन साइड आया, फिर ये देख रहे हो इस तरह की मोमेंटम एक प्राइस एक्शन बनाने के बाद। अब ये इसके नीचे नहीं आना चाहिए, अगर नीचे आता है तो हमारे लिए फिर से बेरिश हो जाएगा। अब इसका मोमेंटम अपसाइड होना चाहिए तो ये हमारे लिए बुलिश हो जाएगा, तो इसका वेट हम करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, बाकी पॉजिटिविटी कंफर्मेशन कब होगी, जब ये ब्रेकआउट होना शुरू होंगे, अभी नहीं, अभी हम सिर्फ वेट करेंगे इसमें। तो ये तो हो गया हमारा सभी बैंकों के बारे में कि किस हिसाब से, और बाकी हम देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ आप देखो कि यहाँ हमारे पास जो बैंक निफ्टी होती है उसमें कौन कौन से शेयर होते हैं, बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, AU बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इंडस बैंक, फेडरल बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया और SBI, SBI हो गया, IDFC बैंक हो गया और बैंक ऑफ बड़ौदा PNB। PNB अभी ऐड हुआ है, अभी ये इसमें शो होता है, बाकी अगर हम उसमें जाके चेक करेंगे हिस्टोग्राम में, यहाँ हमारे पास PNB बैंक नहीं आता है, इंडेक्सोग्राम में PNB बैंक नहीं आता है, ठीक है। मतलब कहने का ये अगर ऑफिशियल ये NSE की साइट से वहाँ से इंडेक्स के बारे में देखेंगे तो उसमें हमारा PNB बैंक इंक्लूड नहीं है। ये फायर वाला अकाउंट है, फायर वाले अकाउंट्स में ये सब चीज़ें शो हो रही हैं। तो ये सब हो गया हमारा निफ्टी के बारे में। और अगर बैंक निफ्टी के बारे में हम डिटेल में देखते हैं तो ऐसे हम करते हैं डे टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ आप देखो बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, बैंक निफ्टी की डिटेल में 15, हाँ 15 30 मिनट के चार्ट पे ये।
अभी इसमें ये देख सकते हो, इसमें यहाँ पे मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था, इस जगह एक रेंज बनाई थी मार्केट ने, उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन साइड मोमेंटम हुआ, मतलब ये एक पूरा डाउन ट्रेंड है। इसका एरो देखा तो ये एक मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड शो किया है। अब यहाँ पे जो इसकी ये पुराना गैप पड़ा हुआ था उसने इस गैप को फिल कर लिया है, वहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट वापस से ऊपर की तरफ मूव किया है। तो हमारे लिए अब क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, 15 मिनट की स्विंग। अगर मार्केट को और नीचे आना है तो उसे ये 15 मिनट की स्विंग को तोड़ना होगा। ये जो स्विंग बनी हुई है 15 मिनट की, हमारे लिए ये मायने रखती है। अब जब इस वाली लाइन के नीचे क्लोजिंग होना शुरू होगी तब हम इसे नीचे सेल करना शुरू करेंगे, मतलब कहने का है 850 के बाद इसे सेल करना शुरू करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ से आके अपसाइड निकल जाता है तो हम इसे बाइंग ट्रेंड में जाएंगे इसके साथ। और पहले जो हमारे जो कवर करेगा वो हमारा यही टारगेट बनेगा इस जगह। और अगर हम देखते हैं इसमें तो चेक कर लेते हैं थोड़ा, हाँ कहाँ है ट्रेडिंग व्यू, क्या हो रहा है ये ट्रेडिंग व्यू, इथेरियम इसमें जाके इंडेक्स पे निफ्टी, निफ्टी के बाद ये रहा, यहाँ आप देख सकते हो इस जगह, देखो डे टाइम फ्रेम पे अभी भी हमारा ये तो चल ही रहा है कंटिन्यूसली। यहाँ क्लोजिंग देखो, इसने क्लोजिंग यहाँ दी थी अपसाइड वाली, और अपना जो है वो 786 पे चल रहा है, अपनी निफ्टी 786 के आसपास है, ये 18,000 के पास है। तो हाल फिलहाल कहने का मतलब सीधा ही है कि मार्केट कल गैप अप खुलने के बाद आगे की मूवमेंट अब पता चलेगी। बाकी 7 बजे आप खुद मार्केट को चेक कर लेना किस डायरेक्शन में वो आया है। जो भी SGX निफ्टी होती है मार्केट उसी के बेसिस पे चलता है, मॉर्निंग की ओपनिंग और क्लोजिंग वही होती है। तो ठीक है, बस बाकी तो यही सब चीज़ें हैं आज के दिन के लिए। और वीकली चार्ट पे अगर देखा जाए तो हर चीज़ ब्रेकआउट के पास है, हर चीज़ ब्रेकआउट के पास रखी हुई है। तो अब बस हमें वेट करना है कि ये ब्रेकआउट प्रॉपर कब होता है, क्योंकि बार बार मार्केट कोशिश कर रही है काफ़ी अच्छे ट्रेंड के लिए, अपसाइड आया मार्केट यहाँ रुका, अब एक नया ट्रेंड बनाना चाहिए, नहीं बनता नीचे हिट करके आएगा तो वापस सेल करेंगे।